आपका सीकर चैनल के ब्लॉग पर आए हो, आप सब ठीक होंगे। लेट्स सी माय इंट्रो एंड आज आ गई हूँ मेरे पास कुछ फाइल्स जो कि हमने इतने ज़्यादा सेमेस्टर्स में जितने भी हमने काम वगैरह किया है उनकी हम आपको फाइल दिखाएंगे कि पहले हम उनकी कैसे डूडल्स करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाते हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। अगर आपने हमारा रूम टूर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। हम इसको हार्ड फॉर्म भी बनाते हैं तो हमने हार्ड फॉर्म में आपने हमारी चीज़ें देखी हैं, हमने क्या क्या बनाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ थी और ये ऐसे ही बनी हुई थी। सबसे पहले आया था मेरे पास टीफन्स और बॉटल्स वगैरह, माउस आ जाते हैं, सीजर आ जाती है, नाइफ आ जाती है, ये मेरे पास आ गया प्रिंटर, हमारे पास कुछ आ जाते हैं सिटिंग चेयर के डिज़ाइंस वगैरह। हमने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके इतने ज़्यादा उसके हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह अलग अलग बनाने होते हैं, फिर जाके कहीं एक हमारा सेलेक्ट होता है। ये आ जाते हैं हमारे पास जूसर मशीन जो कि बहुत ही अच्छी लुक देती थी इसलिए हमने ये बनाई। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है छोटी, जो है छोटी जिसे जूसर मशीन कहते हैं वो आ जाती है। उसके बाद ये हमारे पास USB है, स्ट्रैपल है, पिन है, और ये हमारे पास सीटिंग एरिया आ जाता है कुछ ड्राइंग रूम का या फिर कह लो कि बाहर का सीटिंग एरिया जो जिधर हम सोफे वगैरह आते हैं, जिधर स्टेयर्स आती हैं वो आ जाता है हमारा। उसके बाद ये है हमारे पास बैग के कुछ डिज़ाइन से सीटिंग सोफ़ा है, ये सीटिंग सोफ़े और इसके ये तो आपने देखा है कि सॉरी वापस आ गया, कुछ हमारा ये रह गया था इसलिए ये आ जाता है हमारे पास। उसका फाइनल लुक एक आ जाता है, ये बिल्कुल 3D टाइप देता है, 3D पूरा 3D लगता है। उसके बाद हमारे पास आ गए कुछ सिटिंग सोफ़ाज, पहले चेयर्स वगैरह आए थे, अब सोफ़ाज वगैरह आ जाते हैं, कुछ टेबल्स आ जाते हैं, सिटिंग चेयर के जो आगे टेबल्स वगैरह पड़े होते हैं वो आ जाते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे हम फाइल बैठे थे, हमें छोटी सी असाइनमेंट मिल गई थी। आगे हमारे पास नेक्स्ट फाइल में आ जाता है ये बैग जो कि हमारे पीछे मिसिंग आउट हो गई थी, पीछे से आधी वीडियो आ गई थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये आगे हमारे पास बैग की फाइनल लुक, ये आपने बैग तो देखा ही है। उसके बाद ये आ जाती है हमारे पास साइकिल भी आपने देखी है। ये हमारे पास आ जाता है प्रोटोटाइप, एक उसकी रिपोर्ट आ जाती है UOG की। ये हमारे पास आ जाती है एक आइसक्रीम कार्ट, वो भी आपने हमारी व्लॉग में देखा होगा, आपने हमारे व्लॉग देखा तो आपको पता होगा, पर आपको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी छोटी सी प्यारी सी मेहनत जो भी हम करते हैं वो आपको कैसी लगती है। और मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आप वो ज़रूर करें। लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते हैं कि नहीं ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, अच्छा तुम ये बन जाओगी, अब इसमें तुम्हारे लिए पढ़ा क्या हुआ जो तुम ये करोगी। नहीं, आपने किसी को भी नहीं सोचना, लेकिन जो आपके अपना जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो आपका शौक है, जो आप बनना चाहते हैं, आप वही पढ़ें। मैंने भी वही किया जो मेरा शौक था, मुझे भी बहुत बातें सुननी पड़ती थी कि मतलब डिज़ाइनिंग करोगी, इसमें पढ़ाई क्या हुआ, ये वो ऐसे वैसे, ये तो तुम्हें पहले भी आती है, इतनी तो तुम्हें पहले भी आती है। लेकिन आपको जो आपका जो शौक आता है, आप मेरे ख्याल से तो जो आपको शौक रखती है ना जिस चीज़ का, वो उसमें आप ज़्यादा दिल लगा कर पढ़ सकते हो, ना कि आप किसी और की बात सुन के वो दिल लगाओ। आप खुद के लिए अपनी फील्ड चूज़ करो ताकि आप कल को शर्मिंदा ना होना पड़े या फिर कोई पछतावा ना हो कि मैंने इसके कहने पर ये किया। लोग बातें करते हैं सो लोगों को छोड़ दें, अपनी अपना जो है ना अपना आपका जो दिल करता है वो करें। और ये हमारे घर वालों को भी जो सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, हम उनको वो करें। अक्सर पेरेंट्स होते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, सिर्फ यही फील्ड्स नहीं रहेगी, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं जिसमें आप जा सकते हो। और काम जो भी है, काम होता है, मेहनत हर किसी में होती है, लेकिन मेहनत आपने वो करनी है जो आपने दिल से करनी है, और हलाल कमाना है आपने, आराम पर बिल्कुल भी नहीं जाना। और ये छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, हमारे घर वालों को भी इस पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अक्सर जो घर वाले होते हैं वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बाहर वाले उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने अपने घर की बात अपने घर में रखनी है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। टाटा।